तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, मैं अच्छी हूँ, उम्मीद कर आप लोग अभी अच्छे से होंगे। मैं थोड़ा सा लपलपा रही हूँ, नाश्ता नहीं करी ना, नाश्ता नहीं कर जल्दी करके। और आज हो रही है मेरे पापा की मालिश, और देखो सब पूरे सटे बैठे, सब खोल रहे भाई मेरे बच्चे के। देखो मेरे पापा की मालिश हो रही है, तो यहाँ पापा की मालिश हो रही है। और आज मेरा पापा पहनेगा न्यू ड्रेस जो बाजू ने भेजे थे, न्यू ड्रेस। अब सब कुछ अभी निकाल दिया हो रहा है, आज आज पहला पानी नहाएगा और मस्त न्यू कपड़ा पहनेगा। हाँ सबाना झिबड़न बन के बैठी हुई है, झिबड़न क्या हुआ? पेट दुख रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देखो रानू क्या करी, क्या करी रानू? मैं सब साबुन वाबुन निकाल के दे रही है। अरे हट रे पेट ले, हट वहाँ से, पेट दुख रहा है, कमर सब से, कमर पेट सब दर्द देने लगा। और यहाँ पे हमारा पापा देखो मस्त मालिश हो गई है, मालिश हो गई है। देखो ये देखो ये देखो, पतली पतली सी ऐसे उंगली दिखाना, ऐसे उंगली ये देखो, छोटा छोटा सा पेट, बाबू का छोटा छोटा सा पेट अच्छा लेता है। देखिए देखिए ना, देखिए अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, मजा आई ना, मैं भी दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। हम लोग सब बोलेंगे ये दोनों माँ बाप इतने फेवरेट है, उसको बच्चे कितने खूबसूरत आते, तो बस किचड़ में कमल उगते है कि नहीं? देखो तू नहलाएगा उसको, डाल दे पानी। हाँ चलो मैं पानी डाल देता हूँ, अब जा रही नहलाई नहलाई करना। यहाँ पे पापा देखो एकदम नया नया कपड़ा पहन के एकदम मस्त है, और कितना खूबसूरत दिख रहा है। हो आज ऐसा लग रहा है इसको कि कुछ इसके साथ में नया हुआ है ना सवाना, है ना? अभी नहा दोगी तो फ्रेश हो गया एकदम, देखो नया नया तुवाल सब नया नया यूज हो रहा है भाई। सवाना सवाना का पापा है भाई, हल्के में थोड़ी ना आने वाला है ना सवाना। अरे बहुत टेंशन में आ रहे बार बार, बता दे बता देना आज के ब्लॉग में। हाँ बता दूँ, हाँ बार 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 मुझसे जेंडर बता दूंगी, पर मैं हाँ फेस रिवील हम लोग करेंगे इंशाल्लाह टाइम टेबल आने पे, और नाम जब रखेंगे। अब मेरी बारी, अभी तभी बताऊँ, अभी नाम का कुछ कुछ ठीक है। हाँ दिखाओ ये ठिली, ये देखो ठिली। गाइस मेरा पापा नहा धो के माशाल्लाह सब फ्रेश हो गया है, और बस गाइस मैं ना मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस मेरा पेट का ना दर्द नहीं जा रहा है, पेट का दर्द अकड़ के आता है कमर में, कमर का दर्द अकड़ के आता है पेट में, पता नहीं कि मुझे फर्स्ट टाइम हो रहा है, दोनों बच्चे के टाइम पे नहीं हुआ था, इसलिए मेरा माइंड ना एकदम डिस्टर्ब है एकदम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पीके का गोला घूम रहा है। ओ क्या बोलते वो बड़े बूढ़े लोग, भाई गोला घूमता बोले बच्चों के टाइम पे, वो बोले बच्चा ढूंढता है सब, मतलब सुना सा है, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो गाइस मैं कितनी खूबसूरत दिख रही है यार, कितनी गर्ल मटोल दिख रही है, वाह दिख रही हूँ ना, गर्ल मटोल दिख रही है। ऐसे तो माशाल्लाह मेरी तबीयत सब ठीक है, सब अच्छा है, अच्छी हूँ मैं एकदम मस्त। और गाइस कल ईद है, क्या करूँ, कपड़ा वपड़ा पहनू कि नहीं पहनू, सब लोग मेरे सामने कपड़ा पहनूंगी नहीं। हे गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ एक बार, क्योंकि यार बहुत थक गया मैं, मेरे पापा का मालिश वगैरह जो हो गया माशाल्लाह बहुत अच्छे से, और इंशाल्लाह साबाना की भी मालिश वाली लगाऊंगा ईद के बाद। ये तो भैया जैसा रे, बाप रे बाप खतरनाक है ये तो भाई, ये दोनों से खतरनाक है, जैसे ही सुलाती है साबाना मेरे पापा को फिर उड़ जाता, पाकर उड़ जा रहे फिर चालू हो जाता, मेरी साबाना की हालत खराब होती है। क्या होती साबाना बोलूं, नहीं ना हालत खराब हो गई, सबाना की हालत खराब हो चुकी है, दो तो थे साथ में तीसरे भी आ चुके हैं, और देखिए कैसे मजे ले रहे हैं, और हमारे से देखो क्या क्या काम करवा रही है। मैं बहुत दुखी बचा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी भी कर लूं, इंशाल्लाह कर लूँ, अब जल्दी मैं दूसरी शादी करूँगा, आते कर लो दूसरी मम्मी लाओ तुम्हारे लिए, हाँ दूसरी मम्मी लाओ। तो गाइस मेरे साथ पक्का हो गया, ये हसनैन ने ना मेरा कैमरा बंद कर दिया था, आवाज़ देखिए कितनी जोर जोर की आ रही है, आवाज़ सुनो, आवाज का पैसा सिर्फ आवाज का पैसा,
वसीम के घर में से ये आवाज कभी खत्म नहीं होने वाली है ना सवाला, इंशाल्लाह कभी आवाज खत्म जाएगी, जब तक है जान जब तक का लड़ते रहेगी हम दो और हमारे 25-30 हो के जब हम लोग मरे ना तो सबसे आगे नाम हम लोग का रहना चाहिए क्या? हाँ भाई कोई था बोले ए, चले जा साले बटले। अरे कम से कम 15-20 जान रह गए तो कम से कम कोई तो हम लोग को आगे लेके जाएगा है ना सवाना, सही है कि नहीं? अभी तीन में से तीनों खराब निकल गया, जैसे हम लोग के जैसा हम लोग थोड़ा बहुत है तो वैसा हमारे बच्चे नहीं होना चाहिए ना, तो हम लोग के बच्चे एकदम इंटेलिजेंट होना चाहिए। बोले से एक थोड़ा सा माँ बाप को नहीं संभाला तो दूसरा नहीं तीसरा तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो पांचवा छठा तो सातवा तो संभाल ही लेगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं घर पे इतने सारे कपड़े यहाँ धो रहा हूँ ठीक है, और जो सवाना की डिलीवरी का कपड़ा वो भी मैं धो रहा हूँ पूरा, वो सब तो मोरी में रखा है। और सवाना को एक तो पानी गर्म करके बार बार पानी मांग रही, थोड़ा 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 गर्म करके दो। तो मैंने ना ये कूलर है ना बड़ा वाला पूरा भर दिया गर्म पानी से, बोला पीते रह तू कितना पिएगी, दिन भर एक बार भर दिया पीते रह तू। चले बेटा ले चले चुन्नी चले मेरा बेटा चले चॉकलेट खा लेती चॉकलेट, हाँ चॉकलेट खा ले, ये चॉकलेट दे दो भाई इसको शांति में बैठेगा, इतना कार्टून दिखा रहा फिर भी सोता नहीं। आज हसनैन तो गया गोरेगांव पासा के साथ में, तो बोले अब बड़ा हो गया भाई अभी वो भी अपना मर्जी का मालिक हो गया है, हम मैं जा रहा हूँ बोले खाला के साथ में घूमने, बोला जा बेटा चला गया। तो गाइस देख रहे आप साथ देख लो माशाल्लाह मेरे साथ में क्या हो रहा है, दो दो कपड़ा इतना भर भर के पाव के साथ में जुलूम हो रहा है। और इंशाल्लाह अभी मेरे को जाने का बहुत सारा सामान लेने के लिए पापा के लिए, जैसे कि एक टोकरी है उसके अलग पर्सनली कपड़े के लिए टोकरी आई कि जमाना अभी उसका पर्सनली कपड़ा भरने के लिए टोकरी लेने जाने का है, और बाहर मेरे को जाली लगाने का है, एग्जॉस्ट फैन लगाने का है, डेली वेयर के लिए कपड़े लेने का है, और ऐसा ना तार वाली जाली लगा के और एग्जॉस्ट फैन एक उधर लगा दूंगा, और एक अच्छा सा टेबल फैन लेने का है, मतलब है अभी तो थोड़ा इंशाल्लाह थोड़ा ईद जाएगी ना उसके बाद में मैं धीरे धीरे करते रहूँ, क्योंकि मैं अकेला भी बहुत परेशान हो जाऊंगा क्या क्या करूँ। और गर्म तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी मौसम चले हर चीज पर अल्लाह का शुक्र है अदा करते रहो, चाहे ठंडी रहे या बारिश रहे या गर्मी रहे है कि नहीं सवाना सही बोला ठीक है, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करने का, जब गर्मी ज्यादा रहेगी तो भी कम रहेगी तो भी, ठंडी ज्यादा रहेगी तो भी या कम रहेगी तो भी, और बारिश ज्यादा रहेगी तो भी और कम रहेगी तो भी, सब में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और क्या बोलते हैं उसको दुआ में याद रखो और दिल खोल के सब दुआ करो। क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम आंटी ने जीत नान कटा है वो खाना भूल गया, इंशाल्लाह रोजा खोलने के बाद खाऊंगा जरूर। देख रहे टाइम कितना हो रहा है 5:30 बज गया, अभी तो मैं कपड़ा धुल रहा हूँ, अब मेरा कपड़ा अभी तो मैंने फिटिंग नहीं कराया, चप्पल लेके आया कपड़ा लेके आया लेकिन अभी तक कुछ किया ही नहीं, जाऊंगा रात ही में कपड़ा कपड़ा धो लू उसके बाद में इंशाल्लाह 8-9 बजे जाऊंगा। हाँ कल मेरे हाथ से सवई की रेसिपी भी आएगी। तो ये इस नासाद लड़के को देखो कोई कोई जरूरत है तो देखो इसकी हेल्प करना चाहता है तो बिंदास आके मेरी हेल्प कर सकता है, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब बिंदास टेंशन नहीं लेने है कि नहीं सवाल है, बोलो शादी कर लो दूसरी कर लो बोलते देखो कल बोलती कर लूंगा ना फिर पर ऐसा नहीं घूमने फिरने वाली लड़की वैसा नहीं, कोई अच्छी गरीब लड़की जो जिसको तुम सहारा दो ऐसा। अच्छा ठीक साथ में काम करवा भाई देखो करूंगा तो फिर अच्छे से दोनों भाई औरत साथ में रहने का और दोनों साथ में वीडियो बनाने का एकदम, मेरे घर में मतलब पैसा में बंदिश नहीं है किसी की, बिंदास रहो खाओ पियो एंजॉय करो जो पहनना है पहनो खाओ पियो एंजॉय करो मजे करो, पर खुराफाती लड़की नहीं चाहिए भाई, इधर का होता चुगली वाली लड़की नहीं चाहिए कि नहीं सामान मालूम पड़ा भाई यहाँ खा रही कम है तो बोली के सुना रहे चाहे भाई खिलाने को कम दे रहा है या ऐसा कम दे रहा है उसको ज्यादा प्यार कर रहा है उसको कम प्यार कर रहा है ऐसा। यहाँ पे भैया हमारा पापा देखो कितना परेशान कर रहा है सबाना को, ये देखो सबाना को परेशान कर रहा है और यहाँ पे सबाना भी बैठी हुई बोलती जितना बच्चा सबाना को ये देखो यहाँ पे हमारा पापा है इंशाल्लाह
सब मिलेगा आप लोगों को देखने। अभी क्या है थोड़ा नया नया तो थोड़ा हम लोग को भी जोश है बनाने का कि यार थोड़ा सा वो आएगा, ट्विस्ट आएगा ना, तो अभी कोई दूसरा है तो फटाफट दिखा देता वैसा नहीं। अरे हमारा पापा बोल रहा है कि ना हमको गोदी में लेके रखो और नीचे मत डालो हमें, है ना सवाना, तो तुम लेके बैठे रहो उसको गोदी में आराम से, ठीक है। कमर दर्द हो रही ना, तो क्या हुआ वापस से कमर दर्द तेला कि सही। मेरे आतिफ का भी इंशाल्लाह वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, आतिफ को कैसा लेके गए थे हम लोग और क्या हुआ था, आतिफ कैसा हुआ था सब बताऊंगा, है ना आतिफ। अरे बाप रे बाप, आतिफ के टाइम पे भाई के ब्लॉग में हम लोगों को जल्दी फेस रिवील कर देता, अभी मेरा ब्लॉग है थोड़ा अपनी मर्जी की चलाने का क्या बोलते समाना है कि नहीं, थोड़ा हम खुद अपने इंजर से मालूम है आप लोगों को, मालूम पड़ गया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा हमारे दिल की तसल्ली के लिए बोल देते हाँ भाई चलो ठीक है आप लोग ही बता दो, पर आप लोगों ने तो भाई क्या क्या बोल दिया रे यार, सही है सब लोग ने, बाकी 99% लोग ने एकदम सही गैस किए और 10% लोग है जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे हम लोग की खुशी से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे वसीम शबाना ब्लॉग में, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सब देखने मिलेगा। ये फंकी की ज्यादा आवाज आती है ना, देखिए कैसा बंद करता हूँ, खटाक खटाक खटाक। मेरे को बोलती ब्लॉग नहीं बना देना, बोला ठीक है रुकिए अभी बनाता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी बनाता हूँ। मेरा बेटा ना वो देख रहा ना पीप 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 कर रहे हैं, बूम 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 कदम। तो देखता है ना ये देखता है ना तो बराबर ये बूम बूम करता है माशाल्लाह मेरा बच्चा, बाकी इसको दिखाने में कुछ ना बहुत जल्दी ना चल गया, इसके लिए ना इसको थोड़ा बचाता हूँ मैं आतिफ को, मेरे पापा को बहुत जल्दी नजर लगती है, मेरे तीनों पापा को बहुत जल्दी नजर लगती है, चौथे पापा को भी नजर लगती है, सवाना भी मेरे पापा है। ये सदिया बिटिया गए क्या, मेरे को आज ना शान जाते ना काम करने तो आज फटे काम करने का, तो इसके लिए मेरे दिल की भड़ास निकालूंगा, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह अभी 10 मिनट में ठीक करके देता हूँ, तो अच्छा लगा शुक्र है भाई, फटाफट कर लेता हूँ फ्रिज में से, जब थोड़ा गर्मी रहता है ठंडा पानी पीता हूँ, जब भी पीता हूँ तब जाता हूँ टीवी देख लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मजा आ गया। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जितने लोग ने आज तक और अभी तक हमारे लिए हेल्प किए सभी का शुक्रिया, और सभी को आज लास्ट रमजान का सवाल, ये लास्ट दिन में जितनी नेकी कर सकते हो कर लो, उसके बाद में तो क्या फिर शैतान लोग कैद से छूट जाएगा, फिर वही चालू खुराफाती करना चालू। मैं सब समझ रहा हूँ सिर्फ शैतान का इंतजार कर रहे हैं आधे से ज्यादा लोग, शैतान बाहर आवे तो मैं भागू जावा। तो इंशाल्लाह शैतान बाहर भी आ जाएगा ना, तो आप लोगों को जैसे हो वैसे ही बने रहो, ठीक है, खुराफाती मत करो और इंशाल्लाह नमाज वगैरह सब पढ़ना करो, मैं भी पढ़ूंगा सब पढ़ना, और दवा के लोग इबादत करो, और मैं अपना अकाउंट नंबर डाल रही फटाफट ईदी भेजो। हाँ हमने अभी तो 5 जन की ईदी भेजना पड़ेगा भाई, अभी तो 2 में पहला काम नहीं चल रहा, अब 3 की, अब सबसे छोटे वाले के तो ज्यादा डिमांड देगा, अब सबसे महंगा बच्चा वही है घर में, है ना दवाना, अब सबसे महंगा बच्चा वही है घर में, अभी तो उसको तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए बोले। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं गाइस, मस्ती करो, जिसको भी ऐसी कोई बात बुरी लगी रहेगी उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिल से माफी, आज तक जितनी भी गलती हुई सबके लिए माफी मेरे तरफ से और शबाना की तरफ से, हम दोनों की तरफ से, इंशाल्लाह ये रमजान के बरकत से सब लोग माफ कर देना, और नया सिलसिला चालू करेगा खुद ईद के बाद से, ठीक है, ईद से वही ईद तक का शैतान बंद रहते, ईद के बाद खुल जाते पक्का, ईद के बाद से इंशाल्लाह बाद ईद से भी सिलसिला चालू करेंगे हम लोग। क्या हुआ मोटी, तुम क्या क्या बोल रहे नहीं समझ में आ रहा ना, तकिया भी किया गया क्या, थोड़ा थोड़ा सोच रहा हूँ, दो टम कपड़ा देखिए ठीक है गाइस, तो कोई बात नहीं चलो अब जा रहा हूँ पक्का मैं कपड़ा धोने, अब मेरी मस्ती कैसी लगी जरूर बताना। तो अगर जो मेरे चाहने वाले रहेंगे वो लाल दिल भेजे, और जो सवाना के चाहने वाले रहेंगे वो काला दिल भेजे।
कम पीला तो भेजो पीला। नहीं नहीं हरा हरा हरा, जो शबाना के चाहने वाले हरा दिल भेजे और जो मेरे चाहने वाले लाल दिल भेजे। मैं इंशाल्लाह सबके जितने भी कमेंट आएगा 500, 600, 700, 800, 900, 1000 सबके कमेंट पे हार्ट डालूंगा, हार्ट लाइक करूंगा। क्यों रिप्लाई तो मैं देता ही हूँ, इंशाल्लाह जरूर लाइक जरूर करूंगा। ठीक है जाओ कपड़ा धो जाओ जाओ चलो ठीक है। सो गाइस तो मैं सबके कमेंट पे जरूर लाइक करूंगा और इंशाल्लाह और क्या बनने लगा, मैं जाऊंगा दाढ़ी भी बनाऊंगा क्या तो, स्मार्ट अरे चुप रहे मुच्छी जा रही मुंह के अंदर मेरे, मैंने अब भी जाके कटा लूंगा और ये जो आगे वस्केरा कटेगा इसको कटवा दूंगा थोड़ा सा, इसको छटवा दूंगा मुच्छी बना दूंगा बस। ठीक है गाइस अभी चांद दिखने वाला है इंशाल्लाह, रोजा खुलने के बाद हम चांद देखने भी जाएंगे, दिखा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे और जब तक नहीं तो कपड़ा धोएंगे। चलो कल ईद पक्की है सऊदी में हो गई ऑस्ट्रेलिया में हो गई। हाँ और एक बात और, जितने भी बाहर की कंट्री वाले हैं हमारे तरफ से आप सभी को ईद मुबारक और सभी भिजवा देना हमारे घर सवाना। जितने भी बाहर कंट्री के लोग मेरे व्लॉग देखते हैं सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ठीक है चलो 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 तुम कंटिन्यू लगे रहो यार, जान दो छोड़ो पापा रो रहा है। चलो ठीक है गाइस तो हम जा रहे हो कपड़ा धोने, जितने भी है दुबई में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में पाकिस्तान में सब जगह तो हो ही गई है, तो इंशाल्लाह इंडिया वाले लोग को हम कल ईद मुबारक बोलेंगे। ठीक है तो चलिए मिलते रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं अभी मिलना वापस से, बाकी अभी चांद बोलना मुबारक बोल दिया तो मैं कपड़ा धो लेता यार, देख देख के कपड़ा टेंशन आ रहा है, बार बार देरी ना जाए दो टक पे और मोरी में अलग रखा हुआ है इसका पापा का इसका उसका, तो पहला धो लूँ उसके बाद में फिर थोड़ा आराम से और टाइम पास करेंगे अपन। गाइस मैं आया था चांद देखने के लिए, तो ये देखो सामने इतना बड़ा चांद दिख गया, वाह वाह माशाल्लाह ये देखो हाँ ये रहा चांद वाह माशाल्लाह। तो गाइस हमने चांद देख लिए एकदम माशाल्लाह अच्छा दिखा, साफ सुथरा चांद दिख गया हमें आज एकदम पास का। तो गाइस हम आ चुके हैं और फाइनली गाइस मेरा सब काम हो गया था, मैं बर्तन धो दिया, बर्तन नहीं धोया सॉरी अलग था, कपड़ा पूरा धो दिया, कपड़ा निचोड़ दिया, झाड़ू पोछा सब कर दिया मैंने, झाड़ू मैं मारी। हाँ तो क्या हुआ, तो मेरा नाम बोलो सवाना, झाड़ू मारी पोछा मैंने नहीं मारा और मेरा पापा धोने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले हम बिना कुछ बोले फटाफट आप अपने बात क्लियर कर लेते। तो जैसे कि हमारा खाना पीना सब हो गया, जैसे कि हमारा खाना पीना सब हो गया, सब अलहमदुलिल्लाह सब कुछ, और आप सभी को सब हमारे तरफ से चांद मुबारक, रमजान ईद का चांद मुबारक, हम दोनों की तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से आप सभी को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक, और दुबई वाले लोग को ईद मुबारक, दुबई सऊदी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब बाहर पाकिस्तान और बांग्लादेश सब सभी को ईद मुबारक, जो मतलब इंडिया से बाहर रहते हैं सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो गाइस बिना रुके बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे हम बताने जा रहे हैं आज के 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 बोलो तो। तो गाइस हमारा बेबी बॉय है, सब लोग कमेंट में बोल रहे थे बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, बहुत लोग को जानना है, बहुत लोगों ने सही गेस्ट किए, बहुत लोगों ने गलत गेस्ट किए, तो हम बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी बॉय है और मुझे एक प्यारा सा बेटा अल्लाह ने नवाजे है और बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, हेल्दी है, बहुत फेस रिवील तो भाई सवा महीने पे करूंगा इंशाल्लाह, फेस रिवील अभी नहीं करेंगे, फेस रिवील सवा महीने पे क्यों करेंगे मालूम है, थोड़ा सबाना की भी तबीयत अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद में सबाना मैं बासी मुंह में फेस रिवील नहीं करना, थोड़ा मस्त नहा धो लेगी अच्छे से, हाँ, फिर थोड़ा जाऊंगी तैयार रहूंगी, थोड़ा तैयार वैयार होगी फिर इंशाल्लाह, मस्त बच्चे को भी मस्त एकदम माशाल्लाह अच्छे से तैयार वैयार करके फेस नहीं करेंगे, बाकी बहुत लोग जानना चाहते थे क्या हुआ क्या हुआ, और जो नाम वगैरह है वो भी बता देंगे हम इंशाल्लाह, वो भी अभी कुछ दिन में नाम बता देंगे, सोच के रखे है पर डिसाइड नहीं किए पक्का क्या करेंगे, दो तीन ऐसे तो उसको मोहम्मद बोल रहे हैं अभी, इसको अभी तो फिलहाल मोहम्मद बोल रहे हैं, मोहम्मद नाम जिस दिन उसका बाल कटाएगी ना हमने छठी वाले दिन इंशाल्लाह उस दिन हम लोग शायद नाम भी बता देंगे।
बस फेस अभी नहीं दिखाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटा हुआ है और बहुत लोग ऐसे कर रहे थे बेटी है बेटा है ये है वो है। अरे बाप रे बाप, आज इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाला, गाइस गेस करो बॉय है क्या बेबी। 99% लोग ने बोले बॉय है, 10% बोले के बेबी है लड़की है। चलो अल्लाह ताला की जो मर्जी थी, मुझे मेरे हाथ में जो था वो मुझे मिला। ऐसे तो मतलब ये था कि हाँ बेटी होगी बेटा होगा, जो भी हुआ अल्लाह की मर्जी है। रमजान के महीने में मेरे को जो भी अल्लाह का, लेकिन मेरा बता रहा हूँ, मेरा बहुत मेरी अच्छा, अम्मी ने भी मुझे बोले थे तुझे बेटा। मेरा मेरा मतलब मेरा लक इतना अच्छा है ना, हसन हुआ मुहर्रम की 10वीं को, ये बाबू ये अभी तीसरा वाला बेटा आतिफ हुआ 31 दिसंबर को, वो टाइम पे वो त्योहार नहीं आते लेकिन, और ये दूसरा वाला बेटा बर्थडे मनाती है भाई। हाँ वो भी फिर भी बहुत बड़ा है दिन है, 31 दिसंबर यादगार दिन रहता सबका। हाँ, हर किसी का हर कास्ट वालों का होता है वो। तो और ये बेटे का भी ऐसा हो गया कि भाई रमजान 27वां मेरा बेटा पूरा महीना भाई 28 पूरा महीना फ्रूट रूट भजिया वजिया खा के आराम से आया ईद मनाने के लिए। अब हम दबा के इंशाल्लाह ईद मनाएंगे, अब मिलते रहेंगे आप लोगों से छोटी मोटी अपडेट के साथ में, है ना। आज उसकी फर्स्ट मालिश भी हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ अच्छे से। इतना होट इसका इतना में ना चॉकलेटी था, जैसा नलाया धुलाया अब पिंक दिख रहा मेरा बेटा एकदम माशाल्लाह दिख रहा है। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों को फेस रिवील भी मिल जाएगा बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। अब फाइनल ये हो गया है कि मेरे को बेटा हुआ है। हाँ, जितने लोगों ने गेस्ट किए सही गलत जो भी है ठीक है, है ठीक है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा जरूर बताना, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब घंटा बटन दबाना गाइस मत भूलना। अपना प्यार सपोर्ट भी बनाए रखे। तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज। और जो भी मिला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और एहसान है कि तीन अलमुंड रतन। हाँ तो देखो दिल की ख्वाहिश तो हर किसी की होती कि अल्लाह ताला बेटी हो जाए, बेटी रहती मेरी, तो मैं ये सोचती नाम भी पूछूंगा एक दिन पहला, मतलब हम लोग नाम भी बोलेगी आप लोगों को कि कौन सा नाम सजेस्ट करना है, तो आप लोग भी इंशाल्लाह बताना जरूर कि कौन सा नाम अच्छा लगेगा। अभी हमने सोचे नहीं है तो इंशाल्लाह हमने सोच के ना फिर मेरे माइंड में एक दो नाम है पर बताऊंगी सब एक साथ, तो फिर तीन चार नाम हम लोग जरा सोच के अच्छे से फिर आप लोग से ही पूछेंगे कि क्या नाम रखने का है, फिर आप लोग बताना कि कौन सा नाम रखने का, फिर मतलब इंशाल्लाह जिसका ज्यादा नाम पे किसको ज्यादा वोट आता है तो चलो इंशाल्लाह वो नाम रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइस।